मोहब्बत तो वो तुमसे भी करता है, तुमने बताया था मुझे। बहुत फर्क होता है किसी को पसंद करने में और किसी से मोहब्बत करने में। जान से प्यारा जूनी 24 अप्रैल से बुध शब 8 बजे आइंदा इस तरह गायब ना होना। तुम इस तरह बिना बताए चली गई, मैं इतना परेशान हो गया यहाँ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। एक बार मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, पता नहीं तुम समझती क्या। मेरी शादी हो रही थी, तुम कहाँ थे? मैं हॉस्पिटल में था। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उठाया क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि मैं कोमा में था ना, मैं कोमा में था। जब होश आया तो पता चला तुम्हारी तो शादी हो गई है। मुझे किसी ने नहीं बताया, वारिया ने भी नहीं। काफी सीरियस एक्सीडेंट था। मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं काफी दिनों के बाद कोमा से उठा था। फारे और बाकी लोगों को ये पता नहीं था। ये सब ना होता तो इतनी मुश्किल ना होती ना। अगर मैं होश में होता तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने देता? अगर मैं ठीक होता तो तुम्हें इतनी तकलीफें झेलना ना पड़ती। तुमने रहना से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं करना नहीं चाहता था। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता था। दूल्हा तो बन गए थे, शादी भी कर लेते। वो भी तुम्हारे कहने पे ही बना था। तुमने कसम दी थी ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं। तुम्हारी बात कैसे टालता? अब क्या प्रॉब्लम है? कोई बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? कुछ नहीं। देखो, तुम्हें अगर अब भी लगता है कि मैं कसूरवार हूं तो प्लीज स्पीक अप, बताओ ना मुझे। तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, इतनी कि शायद तुम्हें तकलीफ देने वाले की जान भी ले लूं मैं। लेकिन मैं खुद से तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं मानता हूं शायद मेरे मोहब्बत करने का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि मेरी मोहब्बत गलत नहीं है, मैं गलत नहीं हूं। मैंने सच में बहुत चाहा था। तेरी सोचों से जाती
This is for you. Thank you. सब कुछ इतना स्पेशल क्यों? क्योंकि तुम भी तो मेरे लिए स्पेशल हो। मैं आज बहुत खुश हूं। ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। तुम मेरे पास या मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं ये पल यही थम जाए तो हम हमेशा एक दूसरे के सामने ऐसे ही बैठे बातें करते, प्यार करते। थम जाओ? कभी नहीं थकूंगा तुम्हें प्यार करते करते, मैं कभी नहीं थकूंगा। बोर हो जाओगे, कोई चांस ही नहीं है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा। इस बात का तो मुझे यकीन है। अब अगर हम इसी तरह एक दूसरे को देखते रहे तो ये खाना ठंडा हो जाएगा। मैडम मैं खुद सर्व करता हूँ, कहिए क्या खाएंगे आप? स्प्रे से क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। शबरेस बस एक मिनट यही रुको। क्या क्या हो रहा है? मेरी मेहर मुझे दोबारा लौटाने के लिए। थैंक यू।
नीचे नाश्ते पे सब वेट कर रहे हैं। चले चले। थैंक यू। तुम कुछ लो ना, सोच के रही हो। नहीं मैं ले लूंगी। मेरी बीवी हो तुम, तुम्हारा ख्याल मैं रख सकता हूं। ये पूरा फिनिश करना है। अनोखे बेटे हैं मेरे, बीवी का ख्याल तो रखेंगे। बल्कि इनका ध्यान तो बीवियों से हटता ही नहीं है, भले वो बंजर, अंदर से खाली क्यों ना हो। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, ऐसी बहुएं मिली हैं आपको। अच्छा, कितनी कड़वी बातों के बाद भी बदतमीजी नहीं करती आपसे। भाभी ठीक कर रही है। क्या सिखा पढ़ा रही हो मेरे बेटे को? कहां तो वलीमा करने पर मेरे बेटे को बेइज्जत करने का ऐलान कर रही थी, और कहां ये तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है। हमें सबके सामने बेइज्जत करने का ख्याल छोड़ दिया है तुमने। जी आंटी, जिनसे रिश्ता जुड़ जाता है उनकी इज्जत अपनी इज्जत हो जाती है। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। गुड। अगर हम अंदर नाश्ते पे फोकस करें तो बेहतर है। जैन, तुम साइट विजिट करके ऑफिस आ जाना। जी बाबा, ऑफिस में काम बहुत है। कुछ लो ना। तसल्ली हुई तुम दोनों को खुश देखकर। मोहब्बत में एक दूसरे को पा लेना ही सब कुछ नहीं होता। मोहब्बत में एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना अहम होता है। अब दोनों ने कोशिश करनी है कि इसी तरह एक दूसरे को खुश रखो। शबरेस, जिसमान से तुम इसे यहां से रुख्सत करके ले गए हो ना बेटा, उस्मान को हमेशा कायम रखना। इसे किसी आजमाइश में मत डालना बेटा। मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा, मेरा वादा है आपसे। और तुम फिर से कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। तुम्हारे गायब होने पर शबरेज बहुत परेशान था। अब जब इतनी मुश्किलों के बाद एक दूसरे को हासिल कर लिया है तो एक दूसरे की कदर करो बच्चों। आपने माफ कर दिया ना हमें, बस अब आप मुझे अपना बेटा समझें। सगा तो नहीं हूं
लेकिन आप मुझे सगुन से बढ़ के पाएंगे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे मेरे बच्चों। आमीन। अच्छा रुको तो सही, बहुत जल्दी है जाने की। हाँ भाई शादी हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब काम तो करना ही पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम ऑफिस में काम करते हुए कैसे लगोगे, रोज जाओगे? हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कोई ताने दे कि इसका शौहर तो कोई काम ही नहीं करता है, इसलिए रोज जाना होगा। ये तो हम लंच तो साथ करेंगे ना? आई डोंट थिंक सो। फर्स्ट डे है, मुझे पता है आज बहुत काम होगा, लंच तो नहीं कर पाएंगे बट डिनर साथ करेंगे। ठीक जाऊंगा, अगर तुम मुझे रोक लोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं रोक रही। कैसी बीवी हो यार तुम, मैंने तो सुना है कि बीवियां चाहती हैं कि शौहर उनके पास रहें, सारा दिन उनकी तारीफें करते रहें। मगर मैं तो ऐसी हूँ। ऐसी पसंद है मुझे, मुझे मिस कर दो। मुझे खुशी है कि तुम लोगों की सुलह हो गई। जी मैं जानती थी तुम भी उससे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, और मेरा देवर तो खैर है ही ऐसा, सबसे इतना प्यार करता है, उसे कोई कैसे नाराज रह सकता है। मेहर बहुत पागल रहा है वो तुम्हारे लिए, मैंने देखा है। मैं बस इतना चाहती हूं कि जो भी कड़वाहट तुम लोगों के बीच रही है उसको बुलाकर एक नई शुरुआत करना, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे हक में आवाज नहीं उठा रहा है तो एक बात का भरोसा रखना कि शबरीस तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है मेहर, तुम भी उसकी बात का भरोसा रखना, उस पर यकीन करना, वो झूठा इंसान नहीं है, हमेशा सच बोलता है। मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाह रही हैं। कुछ खास नहीं, बस ये कि अगर तुम कभी भी कुछ सुनो तो कोई भी फैसला लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचना, और इस बात का यकीन रखना कि शबरीस तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। सॉरी मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया तुम्हारा, तुम आराम कर। बाबा ये देखें, are these changes fine? They look all right. Budget attach karo, saath presentation attach karna. Good morning. Good morning. Tum yahan khairiyat to hai? Kya ho gaya bhai, tum itna surprise kyun ho gaye? Main kya office nahi aa sakta hu? Surprise? Nahi, tumhara apna office hai, tum aa sakte ho, lekin is everything all right? Baba aapne bulaya? Isi se poocho. रिलैक्स भाई, मेरी शादी हो गई है इसलिए अब जिम्मेदारियां उठाना चाहता हूँ। मैंने डिसाइड किया कि आज से ऑफिस ज्वाइन करूँ। Are you serious? Yes. अब बताओ मेरा रूम कहाँ है, मुझे काम क्या करना है? दो दिन का बुखार है, उतर जाएगा जल्दी। नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है,
मैं अब दिल लगाकर काम करूंगा। Let's see. इंशाल्लाह। Welcome to the office. मेरा रूम कहाँ होगा? ऐसे थर्ड फ्लोर वाली वर्कस्पेस में ले जाओ। चले? सर्वे करना ही पड़ेगा यार। इनका कॉन्टैक्ट नंबर? जी कॉन्टैक्ट नंबर तो इनसे एक मीटिंग डन करो। आपके चैट चल। थैंक यू, प्लीज याद रख दीजिए। इनसे एक मीटिंग डन करो और मुझे बताओ। ठीक है सर। आ गई याद मेरी। हेलो, सुकून मिल गया। इतने मुश्किल वक्त में तुम्हारी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुश्किल वक्त? तुम तो ऑफिस गए थे ना? अरे हाँ यार, मुझे तो आईडिया ही नहीं था ऑफिस में इतना काम होता है। यकीन जानो, तुमसे मोहब्बत करना आज मुझे आसान लग रहा है। लेकिन एक बात का और अंदाजा हुआ यार, बाबा और भाई बहुत मेहनत करते हैं और अब तुम्हें भी ऐसी ही मेहनत करनी है। हाँ तो करूंगा ना। पहले तुमसे बातें तो करूँ। अच्छा, मुझे अपनी पिक्चर भेजी। अच्छा, अब ये काम हो रहा है या फ्लर्ट? काम काम काम, पहले काम करो तब बस उनसे बातें करो। और लंच? लंच अभी नहीं किया यार, मुझे भूख नहीं लगी। चाय मंगवाई? चाय पीऊंगा। लंच क्यों नहीं किया शबरीश? तुम टाइम देख रहे हो, पहले दिन इतनी लापरवाही, कुछ हल्का फुल्का कोई स्नैक्स ही ले लेते। यार अभी भूख नहीं लगी ना, जब भूख लगेगी तब बाद में खा लूंगा। नहीं अभी खाओ। तुम्हारी बात भी नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है? मैं चाय के साथ कुछ खा लेता हूँ। गुड। अच्छा तुम तैयार हो जाओ। तैयार क्यों? जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो हम कहीं बाहर चलेंगे, उसके लिए तुम्हारा तैयार होना जरूरी है। अच्छा, अभी तो इतनी देर है तुम्हें वापस आने में, तैयार हो जाऊंगी। भाई तुम्हें अभी ड्रेस की सिलेक्शन करनी होगी, मेरी पसंद की ज्वेलरी पहनोगी, फिर तुम मेरी पसंद से तैयार होगी, उसमें टाइम तो लगेगा ना, तो तुम तैयारी शुरू कर दो अभी से। ठीक है यार। वैसे तुम बीवी अभी ना, मतलब आज मेरा फर्स्ट डे है, तुमने मुझे बातों में लगा दिया, ये नहीं कि मुझे काम करने दो। फिर मैं लेट आऊंगा ऑफिस से तो बोलूंगी, शक करोगी मुझ पे, कहाँ थे, इतनी देर कहाँ लगा दी, किस लड़की के साथ थे, ये तुम्हारे कोट पे किस लड़की का बाल है। जी नहीं, मैं उन टिपिकल बीवियों की तरह नहीं। अच्छा लिसन प्लीज, अपनी पिक्चर भेजो, मैं मिस कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है ओके बाय। बाय। यार भाई और बाबा ने बहुत काम कराया ऑफिस में, बहुत थक गया हूँ आज मैं। उफ, इतना जुल्म। हाँ अब क्या करें, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। ये तो है। कैसी बीवी हो तुम यार, शौहर ऑफिस से थका हुआ आया, तुम अपने कामों में लगी हुई हो, और उनके शौहर जब ऑफिस से घर आते हैं ना तो बीवियां आगे पीछे फिरती रहती हैं। अच्छा, और नहीं तो क्या, तुम्हें तो परवाह ही नहीं है, शौहर ऑफिस से थका हुआ आया है, कुछ चाय पानी का पूछ लो, तुम सजने सवरने में लगी हुई हो। तो आप ही ने तो कहा था कि मैं तैयार मिलूं, अब आपकी बात तो रद्द नहीं कर सकती ना मैं। हाँ तो अच्छी बीवियां सब मैनेज करती हैं, वो सजने सवरने का ख्याल भी रखती हैं, शौहर जब ऑफिस से थका हुआ आया तो उससे पूछती हैं आप क्या खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, मैं चाय ले आऊं। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। कहाँ फंस गया यार मैं। बेगम साहिबा जी आ जाइए। बस मैं बना लूंगी, आप जाएं। एक चम्मच ना। तुम ये भी भूल गई हो? जी नहीं भूली नहीं, बस पूछ रही हूं। ये लीजिए आपकी चाय हाजिर है। थैंक यू। मैं अच्छी बीवी ना सही लेकिन बीवी तो हूँ, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप थके हुए ऑफिस से आए, मुझे अपने हाथों से चाय देनी चाहिए थी। क्या फायदा, वो भी मेरे कहने के बाद किया तुमने। जी नहीं, मैंने तो पहले से ही कह रखा था कि जैसे ही आप आए चाय ले आए। ये तो फीकी है। फीकी?
हाँ फीकी पीके देख लो। मैंने खुद चीनी डाली है, फीकी कैसे है? बिल्कुल ठीक है। अब मीठी हो गई ना। शबरेज मुबारक हो, आपके बेटे ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। खबर मिल गई मुझे। काम करेंगे मोहतरम, क्योंकि अपनी बीवी को ये साबित करके दिखाएंगे कि बहुत जिम्मेदार शौहर है। ऐसा करने के लिए भी इस मेहर ने कहा होगा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस लड़की का जादू इतना असर करेगा। वो जो भी कहेगी शबरेज उस पर अमल करने लगेगा। अभी तो शुरुआत है। साहबजादे ने यह भी कहा है कि मुझे हर महीने एक सैलरी पैकेज दिया जाए ताकि वो अपनी बेगम के सामने रकम रख सकें कि मैं कमा रहा हूं, इंप्रेस कर सके उसे। शबरेज को जरूरत क्या है इतनी छोटी सी सैलरी के लिए पूरा महीना मेहनत करने की? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? क्या हो रहा है हो रहा है देख ले, एंजॉय करें। एक लिमिटेड बजट में रहने वाली बहू जो हमारे घर में आई है, एक ऐसे घर आने से जहां पे मुंह में पैसे दबा कर सारा महीना निकाला जाता है, वैसे तमाशे तो देखने पड़ेंगे। इस घर में अलैना को होना चाहिए था। मुझे तो लगता है मेरा ख्वाब कभी पूरा ही नहीं होगा। कैसे पूरा नहीं होगा? बहुत जल्द अलैना बहू बनकर इस घर में आएगी, बहुत जल्द। अरे यार इसका तो बटन ही टूटा हुआ शर्ट का। बटन कैसे टूट गया? मैंने जब प्रेस करने के लिए दी थी तब तो लगे हुए थे सारे बटन। जी क्या पता कैसे टूट गया। चलो फिर ऐसे ही चलते। नहीं रुको, मैं लगा देती हूँ जल्दी से। तुम्हें सिलाई आती है? जी, अम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया था। अच्छा कलर, हाँ ये वाला परफेक्ट है। अरे इतनी जल्दी, वाह भाई। ला बटन तो। क्या कर रहे हो, लग जाएगी तुम्हें। तुम अपना काम करो ना। तुम करने दोगे तो करूंगी ना। क्या ढूंढ रही हो? सिज़र। अच्छा रुको, हो गया। हो गया? हम्म, इतनी जल्दी हो गया? जी। अच्छा देखो ये वाला भी लूज हो रहा है, चेक कर लो। तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मैंने जानबूझ के बटन तोड़ा था यार? नहीं नहीं मैंने ऐसे कब कहा, बल्कि आपको कोई और काम भी हो ना वो भी आप मुझे कहिए, मैं आपकी काम वाली ही तो हूँ। काम किसे करवाना है तुमसे, मुझे तो बस तुम्हारे पास रहने का बहाना चाहिए। हम शायद कहीं बाहर जा रहे थे। चले जाएंगे, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? मुझे लगता है कि अगर थोड़ी देर और हो गई ना तो हम जा नहीं सकेंगे। चले चले।
चलो भाई चलो। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी अम्मी की तरफ। माशाल्लाह तुम दोनों को साथ देखकर ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत मुश्किलों से पाया है इसे, बस आप दुआ करें हम हमेशा ऐसे ही खुश रहें। इंशाल्लाह। अब फारा की कॉल है, एक सेकेंड। हेलो। हाँ शबरीज, बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रही थी, मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं नहीं चाहती तुम मुझे गलत समझो। आई वॉन्ट यू टू नो कि मैं तुम्हारे साथ बहुत मुखलिस हूँ। क्या बात है भाभी, आप कहें? मुझे लगता है तुम्हें तुम्हें मेहर से बात करनी चाहिए। कौन सी बात? उस रात तुम्हारे और अलैना के बीच जो कुछ भी हुआ, आई नो मेहर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तुमसे बहुत प्यार भी करती है, पर उसे कहीं और से पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तुम उसे बताओगे तो वो अंडरस्टैंड करेगी। भाभी उस रात कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं क्या? अब मैं जानती हूँ शबरीज, मुझे पता है, लेकिन कोई अलैना के मुंह से कहानी सुनेगा तो सच्ची लगेगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेहर को खुद बताओ, उसे एतमाद में लो। ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जिनकी वजह से रिश्ता खराब होता है। अब ठीक कह रही हैं, मैं बात करता हूँ मेहर से। क्या बातें चल रही हैं? देवर जी को समझा रही थी कि इतनी मुश्किल से मेहर को हासिल किया है, अब इसकी कदर करें। कदर तो बहुत करते हैं। माशाल्लाह। चले? हाँ चलो। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। तो फिर क्या सोचा तुमने उस बारे में? ऐसी बात करके आपने मुझे परेशान कर दिया जैन। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तुमने किसी ना किसी से तो शादी करनी है ना? करनी है, लेकिन आप? तो क्या मुझ में इतनी बुराई आई? नहीं, कोई बुराई नहीं है। देखो तुमने कहा था ना कि तुम एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हो जिसे तुम्हें झूठ ना बोलना पड़े, जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे कहा था ना, ये सब इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन नताशा? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि नताशा कभी माँ नहीं बन सकती, और ये भी बता चुका हूँ कि मैं दूसरी शादी करने का फैसला कर चुका हूँ, और ये शादी मैं किसी से छुपा कर नहीं करूंगा, सबके सामने होगी ये शादी, मेरे घर वालों की मर्जी से। नताशा की भी परमिशन लूंगा, और अगर वो नहीं मानेगी तो फिर वो अपना फैसला खुद कर सकती है। तुम इतना वक्त क्यों लगा रही हो डिसीजन लेने में? ओ शबरीज, उसके बारे में नहीं सोचा आपने? आपको क्या लगता है कि वो हम दोनों की शादी इतनी आसानी से होने देगा? शबरीज ने जितना बुरा तुम्हारे साथ किया है ना, कोई भी किसी के साथ नहीं कर सकता। और अगर उसने तुम्हें कुछ कहा तो मैं हूं ना, आई एम देयर फॉर यू। और जहां तक मेरी फैमिली की बात है, उसकी भी गारंटी मैं लेता हूं। I'll face them. I'll handle everything. जब आप सब कुछ फेस करने के लिए रेडी हैं तो मेरा इनकार करने का कोई जवाब नहीं बनता। शायद किस्मत ने मुझे आपकी शक्ल में दरबदर होने से बचाने का फैसला कर लिया है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। अब तुम अपने भाई और मामा से बात करो, और मैं अपने घर वालों को भेजता हूँ रिश्ता देकर। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। थैंक यू।